में जंगो की रहा, मुझे तो लग ही नहीं रहा है। क्या है ना, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कभी मुझे देखा नहीं क्या? और बाहर खड़ी क्या कर रही हो? अंदर क्यों नहीं आ रही हो? ऐसे मुझे घूरना बंद करो और अंदर आओ। कब तक बाहर खड़ी रहोगी? मैं जाऊं जैसन के पास, तुम भी आ जाओ। गॉड, ये दोनों भी ना, ये सब क्या था वो मुझे समझ में नहीं आया। अंदर जाकर देखना पड़ेगा आखिर जैसन क्या कर रहा है। मामा, आप आ गई? आप इतना लेट कैसे हो गई? मैं तो आपका वेट कर रहा था। ये मम्मा, आप इतना लेट कैसे हो गई? ये तुम दोनों ने अपना क्या हाल बना रखा है? ये बालों में क्या बैंड लगा रखे है? बिल्कुल जोकर लग रहे हो तुम दोनों। इसे अभी निकालो। दोनों जोकर लग रहे हो, पागल कहीं के। और जागरूक तुम भी इसके साथ जोकर बने हुए हो। जोकर तो क्या, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी बन सकता हूँ। इडियट, ट्रफर, जो कुछ कहो मैं वो बन सकता हूँ। एक्चुअली जैक्सन ने कहा कि उसे एक बहन चाहिए। जब मैंने पूछा कि क्या करोगे बहन का, तो वो बोल रहा है कि उसके बाल बांधूंगा। और मैं इतनी जल्दी तो उसे एक बहन लाकर नहीं दे सकता था ना, इस वजह से मैंने कहा कि तुम मेरे बाल बांध लो, मैं तुम्हारे बाल बांध लेता हूँ, उसके बाद हम साथ में खेलेंगे। और जैक्सन मान गया, इस वजह से हम दोनों ने ऐसा हाल बना रखा है अपना। वैसे ये बात है, तुम बाहर क्यों गई थी? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं और मैं तुमसे कुछ पूछा भी नहीं था, तो बताओ ना बाहर क्यों गई थी? मुझे लगा किसी काम से गई होगी। हाँ, मैं काम से ही गई थी। वो एक्चुअली तुम्हारी मेडिसिन खत्म हो गई थी, बस वही लेने गई थी। जंगो क्या सोचने लगा है? देखो अब ये सब छोड़ो और ये जो हुलिया बना रखा है जल्दी से तुम दोनों ठीक करो। बिल्कुल जोकर लग रहे हो। ठीक है, तुम दोनों को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। पता नहीं कैसे मैंने अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी है। चुपचाप जाओ और ये अपना हुलिया ठीक करके आओ। हाँ, तुमने सही कहा, मैं अभी आता हूँ। मम्मा, ये टैडा को क्या हुआ? वो अचानक से सैड क्यों हो गए? पता नहीं बेटा, मैं तुम्हारे टैडा को देख कर आती हूँ। और तुम जाओ अपना हुलिया ठीक करके आओ, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ, आइसक्रीम खा लेना। ठीक है? ओके मम्मा, थैंक यू सो मच मम्मा, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक, तुम यहाँ पर टेरेस पर क्या कर रहे हो? तुम अचानक से चुप हो गए, कुछ बोले भी नहीं और यहाँ पर आ गए, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें पता है जब अपने बेटे के साथ होता हूँ ना, उसके साथ खेलता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मुझे कोई बीमारी है और मैं जल्दी मरने वाला हूँ। मेरे दिमाग से ख्याल निकल ही जाता है, मैं उसमें इतना खो जाता हूँ। लेकिन ये मेडिसिन मुझे बार बार याद दिलाती है कि मुझे कैंसर है और मैं तुम दोनों से अलग होने वाला हूँ। इसीलिए जिमिन, मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ये मेडिसिन लाना मेरे लिए छोड़ दो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ और वैसे भी मुझे इस मेडिसिन की क्या ही जरूरत? ये मुझे ठीक नहीं कर सकता, तो इसे खाने की भी जरूरत नहीं है। ये मुझे उल्टा बार बार याद दिलाता है, इसीलिए मैं आपसे ये मेडिसिन नहीं खाने वाला। और जब भी मैं मेडिसिन खाता हूँ और मुझे वो मेडिसिन खाते हुए देख लेता है ना, तो जैक्सन मुझसे बार बार पूछता है कि आपकी तबीयत खराब है, आपको क्या हुआ, इसीलिए मैं आपसे ही खाऊंगा ही नहीं। ये क्या बकवास बातें बोल रहे हो? तुम्हें ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। देखो, ये तुम्हारी हेल्थ को कंट्रोल में रखता है, तुम्हारी हेल्थ और बिगड़ने नहीं देता है। और डॉक्टर ने खुद मुझसे कहा है कि ये मेडिसिन तुम्हें खिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें ये खानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई बात नहीं सुनने वाली। जंगकुक, मैं जानती हूँ कि ये वक्त बहुत मुश्किल है और मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है और तुम शायद नहीं जान पाओगे कि मुझ पर क्या बीतती है। और मैं तुम्हारा कल फिर से चेकअप करवाना चाहती हूँ दूसरे डॉक्टर से, शायद हो सकता है कि वो कुछ कर सके इस मामले में, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा हॉस्पिटल। जिमिन, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाने वाला, तुम भी जानती हो। और मेरे साथ साथ तुम भी परेशान हो रही हो खामखा, ऐसे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से क्या फायदा? जब इसका कोई फायदा नहीं निकला तो तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? इतना तुम अपने ऊपर ध्यान दो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जंगकुक, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, बस ये लास्ट बार। देखो, हम बार बार एक ही डॉक्टर से एक ही हॉस्पिटल में जाते थे, अब मैं दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ, किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ, क्या पता इसका कोई सलूशन निकल आए, प्लीज मेरे लिए। उसके बाद तुम चाहे कहीं भी मत जाना, बस ये लास्ट बार है मेरे लिए, प्लीज चलो ना कल चेकअप कराने के लिए मेरे साथ। ओके फाइन, लेकिन ये लास्ट बार है, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाने वाला और तुम्हें भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। आई बात समझ में? उसके बाद तुम कहीं और जाने की जिद नहीं करोगी, कोई और से चेकअप कराने की जिद नहीं करोगी। ओके ओके, समझ गई, मैं दोबारा जिद नहीं करूंगी, ये लास्ट है। ठीक है? अच्छा ठीक है। वैसे जैक्सन कहाँ पर है? वो अपने रूम में आइसक्रीम खा रहा है, मैं उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई थी ना, इसलिए वो बैठ कर खा रहा है। ओह चलो कोई बात नहीं, वो अपने रूम में है तो हमें भी अपने रूम में चलना चाहिए। चलो
देखो जमील, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया। अब प्लीज उसके पीछे परेशान मत हो। अब चलो हम रूम में चलते हैं। वो क्या ना, तुम पूरा दिन मेरे साथ नहीं थी और कुछ दिनों से लगातार जैक्सन भी हमारे साथ सो रहा है, इस वजह से हम दोनों टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। और आज जैक्सन ने मुझसे कहा था कि वो बड़ा हो गया है, अब से वो अकेले सोएगा और इसीलिए वो अपने रूम में सोने वाला है। तो चलो हम दोनों ही रूम में चलते हैं। वैसे भी आज मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है, उसे एक सिस्टर चाहिए। अब उसकी विश भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, तुम तो जानती हो ना मैं उसकी सारी विश को पूरा करता हूँ। हाँ जानती हूँ, मैं तो मान ली कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, इश्क दी गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। कैसी पहेली, बड़ा जुर्माना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार, यार है दिन जिंदड़े। जमीन, यहाँ पर कुछ नया नहीं होने वाला, जो किस्मत में लिखा होता है वो होता ही है। और तुम्हारे कहने से बस मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने चेकअप करवाया है, वरना मैं कभी नहीं आता। जंकुक, जानती हूँ कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, और इसीलिए मैं दिल नहीं मान रहा था। और मेरा दिल कह रहा था कि मैं तुम्हारा दोबारा चेकअप करवाऊँ, इसलिए मैंने करवा लिया। अब जो होगा सब देखा जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर कुछ देर में रिपोर्ट लेकर आ जाएंगे, वो हमें बता देंगे कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। हाँ ठीक है, समझ गया। डॉक्टर क्या हुआ, क्या आया है रिपोर्ट में, क्या कंडीशन है मेरे हस्बैंड की? मिस जिमेन, मैंने आपके हस्बैंड का अच्छे से चेकअप किया, उसके बाद रिपोर्ट में आपको पता है क्या आया है? अभी आपके हस्बैंड का सिर्फ फर्स्ट स्टेज है, अब तक आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था। आई नो आर्मी कि इस कैरेक्टर को मैंने ऑलरेडी ही एक बार इसी स्टोरी में यूज कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा डॉक्टर के रूप में यूज कर रही हूँ, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप बस स्टोरी एंजॉय कीजिए, ठीक है? व्हाट, फर्स्ट स्टेज, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर आप पागल हो गए क्या? मेरे 50 बार चेकअप हो चुके हैं ऑलरेडी, और सारे रिपोर्ट्स में यही आया है कि मेरा लास्ट स्टेज है और मैं जल्दी मरने वाला हूँ। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा, मेरी हालत खराब है और आपके फर्स्ट स्टेज है। दूसरों की फीलिंग के साथ कैसे खेल सकते हैं? ऐसे फर्स्ट स्टेज बताकर हमारे दिल में उम्मीद क्यों जगा रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं, इन रिपोर्ट्स में यही आया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपका फर्स्ट स्टेज है और अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप ऑपरेशन करवा लेंगे तो 99% चांस है कि आप बच सकते हैं। मिस जिमिन, मैंने आपको बता दिया जो इन रिपोर्ट्स में लिखा था, और मैंने बहुत अच्छे से चेकअप किया, और मैं स्पेशली कैंसर का ही डॉक्टर हूँ, और मैं चेकअप करने में कभी गलती नहीं करता। और अगर आपको यकीन है तो आप खुद ही रिपोर्ट पढ़ लीजिए, इन रिपोर्ट्स में यही लिखा है, और मैं 100% श्योर हूँ कि इनका फर्स्ट ही स्टेज है और अभी भी ऑपरेशन हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करिए, हस्बैंड ये आपके हैं, आपको इनकी ज्यादा फिक्र होगी। अगर आप इन्हें बचाना चाहते हैं ना, तो जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लीजिए, इनके लिए यही ठीक होगा। डॉक्टर अगर आपकी बात सच है ना, तो मैं अपने हस्बैंड का ऑपरेशन करवाने के लिए अभी रेडी हूँ। पर मैं रेडी नहीं हूँ जुमेन, तुम ये क्या बोल रही हो? तुमने 50 बार मेरे चेकअप कराए और सब में एक ही बात आई है, और ये सिर्फ एक बार चेकअप करवाने पर ऐसा आ गया तो मैं कैसे मान लूँ? कोई बात नहीं, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप दोबारा चेकअप करवा लीजिए, इनफैक्ट आप दोबारा करवा लीजिए, आपको जितनी बार करवाना है ना उतनी बार करवा लीजिए, हर बार एक ही बात निकल कर आएगी कि आपका फर्स्ट स्टेज है और अभी भी आपके पास टाइम है ऑपरेशन करवाने का, और अगर आपको यकीन है तो करवा लीजिए। देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ क्योंकि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं आपके जैसे पता नहीं कितने दिन में पेशेंट देखता हूँ और हर बार चेकअप करता हूँ, और मेरा हर बार रिपोर्ट सही निकल जाए, तो इस बार क्यों गलती होगा? हाँ अगर आपका सच में लास्ट स्टेज होता तो सच में मेरे रिपोर्ट में भी लास्ट स्टेज ही आता, लेकिन आपका है नहीं, शायद आपने जहाँ से करवाया होगा उन्होंने गलती की होगी, या फिर मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने शायद गलत रिपोर्ट निकाली है और आपसे झूठ भी बोला होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो फिर से चेकअप करवा सकते हैं। जंकु प्लीज मेरी बात सुनो ना, देखो ये सच कह रहे हैं, ये इतने यकीन के साथ कह रहे हैं तो ये सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि ये स्पेशली कैंसर के डॉक्टर हैं और इन्होंने इस बीमारी पर बहुत सारा रिसर्च किया है, और इनकी रिपोर्ट कभी भी गलत नहीं निकलती, तो आज भी गलत नहीं होगी। मुझे लगता है कि उसी हॉस्पिटल में और उसी डॉक्टर में कुछ प्रॉब्लम थी, वो सब खैर हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, प्लीज ऑपरेशन करवा लो ना। ठीक है जिमिन, अगर तुम चाहती हो ना कि मैं ऑपरेशन करवा लूँ और तुम इसी से खुश होगी तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात को नहीं टालूंगा, मैं ऑपरेशन करवा लूंगा, लेकिन हाँ तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि इसका जो भी नतीजा निकलेगा तो उसके लिए तुम कभी भी जिंदगी में खुद को कभी भी ब्लेम नहीं करोगी, और तुम जैक्सन के साथ हमेशा खुश रहोगी।
जब तुम मुझसे ये प्रॉमिस करोगी ना जिमिन, तभी मैं ये ऑपरेशन करवाने के लिए मानूंगा। तो जिमिन, पहले तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस करो मुझसे। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसके लिए खुद को कभी ब्लेम नहीं करूंगी। अब क्या तुम प्लीज ऑपरेशन करवा सकते हो? हाँ, मैं ऑपरेशन के लिए रेडी हूँ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मुझे अपने हस्बैंड का अभी ऑपरेशन करवाना है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सही वक्त पर सही फैसला ले लिया। ठीक है, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ और आप अपने हस्बैंड को लेकर कैबिन में आइए। हम पहले इनके कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इनका ऑपरेशन करेंगे। चलिए। ठीक है डॉक्टर, चलो जंगकुक। उसके बाद जंगकुक के बहुत सारे चेकअप होते हैं, उसके बाद उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तुम्हारी मैं एक बात भी नहीं सुनने वाला, तुम्हारा चेकअप कराऊंगा कि तुम्हें क्या हुआ है।
तुम ठीक कह रहे हो, मुझे चेकअप करवाना पड़ेगा और जल्दी से ठीक भी होना पड़ेगा, ऐसे तो मैं हॉस्पिटल जा ही नहीं पाऊंगी। हाँ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब चलो जल्दी से चेकअप करवा लेता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, दो तीन दिन से ये प्रॉब्लम है और तुम